हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? प्यारे सब भले चंगे? प्यारे आज हम कराने वाले हैं क्लास 11 के एरर एनालिसिस के बेहतरीन न्यूमेरिकल्स। प्यारे ये न्यूमेरिकल्स करने के बाद आप इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस, इसके अलावा भी कोई आ जाए तो आप अपने आप कर पाएंगे। प्यारे अगर इससे पहले के दो लेक्चर जिसमें मैंने एरर एनालिसिस की थ्योरी आपको एक्सप्लेन करी थी वो आपने नहीं अटेंड करे हैं या वो आपको नहीं आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर जाके आप जल्दी से देख के आ जाइए ताकि ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ में आ सके। आपको पहले से आती है एरर एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स तो ठीक है, आप स्टार्ट करिए अपने न्यूमेरिकल्स। प्यारे मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्यारे पहला क्वेश्चन है टू रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बेटा न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सी बात जो फॉर्मूले बार बार लगने हैं वो मैं शॉर्ट में जल्दी से बता दे रहा हूँ। आपने पढ़ा था अगर कोई भी क्वांटिटी, दो क्वांटिटी ऐड हो रही हैं तो उनकी एब्सोल्यूट एरर हम निकालते हैं, क्या उन दोनों क्वांटिटी की एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करके। ऐसे ही अगर कोई क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है तो भी रिजल्ट की एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए इंडिविजुअल एरर्स को, क्वांटिटीज की इंडिविजुअल एरर्स को ऐड ही करना होता है। और अगर कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हैं या फिर कोई क्वांटिटी डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, तो दोनों ही केस में प्लस माइनस में इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स ऐड करी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या निकाला जाता है, रिलेटिव एरर्स ऐड करी जाती हैं। डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, चाहे रिलेटिव एरर कह लो चाहे इनटू 100 करके परसेंटेज एरर्स भी आप कह सकते हो। ऐसे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इनटू 100% इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इनटू 100% इज इक्वल टू प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इनटू 100%, ठीक है प्यारे। अच्छा, और एक ये तीसरा और चौथा इसी में, और पांचवा मैंने बताया था व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व्स पार ऑफ सम ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी, जैसे ए की पार एन है तो इसे कैसा करेंगे, इसमें भी रिलेटिव एरर निकालेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन इनटू डेल्टा ए अपॉन ए। ये एक बार साइड में कहीं पे नोट करना चाहें तो कर लीजिए, यही फॉर्मूले बस बार 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 बार, ये 10 क्वेश्चंस में करा रहा हूँ, लिमिटेड 10 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैं आपको असाइनमेंट दूंगा जो आप हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। उस असाइनमेंट में ये 10 सॉल्व क्वेश्चंस भी लिखे हुए होंगे एक साथ, और प्रैक्टिस के लिए और 10 क्वेश्चंस आपके साथ वहाँ होंगे, ठीक है प्यारे। बाद में हाँ उस ऐप में आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं कि आपने ये सीखने और प्रैक्टिस करने के बाद कितना सीखा, कितनी आपकी परफॉर्मेंस रही। फिलहाल टू रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं, R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम, ठीक है। कह रहे हैं इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। बेटा सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है, 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, R1 प्लस R2। तो सिंपली यहां लेके 100 प्लस माइनस 3 ओम प्लस 200 प्लस माइनस 4 ओम। प्यारे अगर आपको थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप समझिए दो रेजिस्टर्स को ऐड करेंगे, दो वैल्यूज को ऐड करेंगे तो इनकी जो वैल्यू है 100 और 200 ये तो ऐड ही होनी है, लेकिन इनकी जो एरर्स हैं, एरर्स भी क्या ऐड होंगी, जी हाँ, जब दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो उनकी एरर्स एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड ही करते हैं। तो यहाँ पे 3 प्लस 4 आप कर दीजिए 7, अगर यहाँ बीच में माइनस होता तो भी एरर्स ऐड ही होती, क्वांटिटी तो सब्ट्रैक्ट ही, बीच में माइनस है तो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी, प्लस है तो प्लस होगी, डिवाइड है डिवाइड होगी, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होगी, लेकिन एरर्स का क्या होगा वो यहाँ दे रखा है,
ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो बेटा हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखा, ये किसकी टर्म्स में रेजिस्टेंस निकाला, विद इन लिमिट्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, किसकी टर्म्स में यहाँ लिख दे रहा हूँ, विद इन लिमिट्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। बेटा इस आंसर को हम परसेंटेज एरर की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन में लिखा होता विद इन लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर निकालिए, तो इसकी परसेंट कैसे निकालते हैं? आप देख रहे हैं जो यहाँ पे रेजिस्टेंस में एरर आ रही है 7 ओम की, वो कितने में से आ रही है, अगर इसकी परसेंटेज निकालें तो 7 ओम की एरर है 300 में से, तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे, तो 7/300 × 100 आपके मार्क्स आते हैं 7 नंबर आए 300 में, तो परसेंट निकालने के लिए जितने आए अपॉन टोटल इंटू 100, जितने आए 7/100 परसेंटेज आ गई 7/3 कर दीजिए, कितना हो 7/3, 3 × 2 = 6.33 और यहाँ पे लगा देंगे परसेंट। तो ये जो आंसर आया रेजिस्टेंस का, ये आपका रेजिस्टेंस का आंसर आया विद इन लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर। तो कौन से टर्म्स में आंसर छोड़ेंगे, उस टर्म्स में छोड़ेंगे जिस टर्म्स में क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन नहीं पूछा है तो आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। और एक बात, यहाँ पे ओम 300 ओम और आंसर है रेजिस्टेंस, और उसमें 7 ओम की एरर है, तो ओम दोनों का कॉमन लेके आपने बाहर लिख दिया, लेकिन यहाँ परसेंटेज के साइन के साथ तो ओम लगेगा नहीं, सिर्फ इसके साथ लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे इस केस में यहाँ लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, नोट कर लीजिए, सिंपल सा था लेकिन एक नई चीज़ मैंने आपको बताई, इसको ध्यान में रख लीजिए। और अभी चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसका लेवल बढ़ता जाएगा, नई नई चीज़ें आती जाएंगी, अभी सिर्फ आपको रिलैक्स करने के लिए कि हाँ भाई बहुत आसान है। देखिए, द इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, TI से डिनोट कर दे रहे हैं, 18 ± 0.5 °C, और फाइनल टेम्परेचर दे रखा है आपको 40 ± 0.3 °C। ठीक है, कह रहे हैं राइज इन टेम्परेचर निकालो, यानी चेंज इन टेम्परेचर 18 से 40 °C हो गया, तो कितना बढ़ गया वो निकालने के लिए ऑब्वियसली फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे। लीजिए TF की जगह लिख दीजिए 18 ± 0.5 और यहाँ बीच में माइनस का साइन है, फिर सॉरी गलत लिख दिया, TF पहले फाइनल आएगा, बड़े में से छोटा 40 ± 0.3 माइनस करेंगे ये इनिशियल 18 ± 0.5 °C। अभी देखिए 18 से 40 हो गया, तो 40 - 18 करना है, तो ये वाली वैल्यू तो माइनस ही होगी, 14 - 18 कितना राइज इन टेम्परेचर हुआ, 22 °C। ठीक है ना, लेकिन क्या एरर को भी माइनस कर देंगे, वैल्यू तो माइनस होगी लेकिन एरर माइनस नहीं होती, अगर रिजल्ट इन्वॉल्व्स द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू ऑब्जर्व क्वांटिटीज, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है तब भी एरर ऐड ही होनी है, ऐड ये लीजिए 0.3 + 0.5 कितनी कर दीजिए 0.8 °C। तो बेटा इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 22 ± 0.8 °C, और ये आंसर आपका किसके टर्म्स में हुआ, विद इन लिमिट्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। आप चाहें इसकी परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं 0.8/22 × 100 करके। ठीक है प्यारे, अच्छा एक बात और बता दूं, हालांकि पहले बताइए, फिर से दिमाग में समझिए, ये जैसे हम यहाँ एरर लिखते हैं 0.8 °C की एरर आएगी, तो ये बेटा प्लस माइनस लिखा होता है, तो पहली बात कि जब हम टेम्परेचर निकालेंगे तो उसमें 0.8 °C की गड़बड़ी हो सकती है, 0.8 °C की गड़बड़ी नहीं, 0.8 °C तक की गड़बड़ी हो सकती है, ये मैक्सिमम एरर होती है कि 22 °C से आंसर 0.8 °C ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, या 0.8 °C 22 से कम भी हो सकता है, यानी जो टेम्परेचर है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, 22 से 0.8 कम कर दें तो कितना हो गया 21.2 °C से इसमें 22.8 °C के बीच में लाई करेगा। मैंने आपको बताया जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें एरर होती ही होती है, लेकिन एरर की एक लिमिट होती है कि वो कहाँ से कहाँ लाई कर सकता है, जो इसके आगे एब्सोल्यूट एरर या परसेंटेज एरर लिख के बताई जाती है, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है,
मैक्सिमम का मतलब ये है कि अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि ये प्लस माइनस 0.8, इसका मतलब ये नहीं कि 0.8 की एरर ही हमेशा आएगी ही आएगी, नहीं, ये मैक्सिमम है, ये 0.8 भी हो सकती है जब मेजरमेंट करें, एक्सपेरिमेंट करें, 0.7, 0.5, 0.6, 0.2, प्लस 0.8, माइनस 0.8, प्लस 0.7, माइनस 0.7, कुछ भी हो सकती है, लेकिन लाई इस रेंज में करेगी उसकी वैल्यू, इसका मतलब ये होता है, ये पॉसिबिलिटी होती है, ना कि एक्चुअल एरर होती है। ठीक है प्यारे, चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये फॉर्मूला आपको पहले से मालूम था, नहीं तो लिख दिया उन्होंने, रेजिस्टेंस जो दे रखा है आपको R इज इक्वल टू V अपॉन I, V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ होता था, ठीक है, यहाँ पे V दे रखा है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, ये लिखा है आपका V, एंड I इज करंट इज 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। कह रहे फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में कितनी परसेंटेज एरर होगी, तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे, पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस निकालते समय क्या करेंगे प्यारे, एक काम, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वी अपॉन आई है, और दो चीज़ें जब डिवाइड हो रही हों तो क्या उसकी एरर ऐड करी जाती है, क्या डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी किया जाता है, या रिलेटिव एरर ऐड करी जाती है, जी हाँ रिलेटिव एरर ऐड करी जाती है। तो यहाँ पर आप आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई अगर लिखा है, तो जो रिजल्ट है उसकी डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा वी प्लस डेल्टा आई नहीं करेंगे, नहीं, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई करेंगे, रिलेटिव एरर्स ऐड करेंगे, चाहे रिलेटिव एरर कह लो या इन तीनों जगह इन टू हंड्रेड कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर बन जाएगी। हमें यहाँ पे ऊपर वाले से रिलेटिव एरर से करना चाहिए या नीचे वाले परसेंटेज एरर से करना चाहिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में फाइंड द परसेंटेज एरर, एरर की परसेंटेज एरर पूछी है, तो हम इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, ना कि ऊपर वाले फॉर्मूले में, ऊपर वाले में डालते तो आखिरी में 200 कर देते, अब यहाँ पहले से ही 100 लिखा है, तो देखिए डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी का मतलब है वोल्टेज में एरर कितनी है 5, और इसकी खुद की वी मतलब वैल्यू कितनी है इसकी 100 इंटू 100% हो गया, ठीक है। अच्छा फिर ये डेल्टा आई, आई में कितनी एरर है 0.2 की, ठीक है, और आई कितना है खुद 10 इंटू 100%, इसे कैलकुलेट करिए, 100 से 100 कट गया आपका, 10 से 10 कट गया, पॉइंट हटाया 10 लगा, ये भी कट गया, इधर 5 इधर 2 मिला के कितना हो गया 7 क्या परसेंट। इस तरीके से आपने देखा कि रेजिस्टेंस में 7% की एरर होगी, ठीक है। क्वेश्चन में हो सकता था ये भी पूछते फाइंड द रेजिस्टेंस, अगर वो क्वेश्चन में पूछते फाइंड द रेजिस्टेंस, उसने पूछा नहीं, उसने सिर्फ रेजिस्टेंस की एरर पूछी है, अगर फाइंड द रेजिस्टेंस पूछते, फाइंड द रेजिस्टेंस विद इन लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर, तो आप क्या करते, रेजिस्टेंस अगर लिखना है तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ होगा, प्लस माइनस डेल्टा आर, ये तो एब्सोल्यूट एरर की टर्म्स में हो गया, लेकिन अगर हमें परसेंटेज एरर की टर्म्स में लिखना है तो इसे ऐसे लिखा जाएगा। तो आप देखिए रेजिस्टेंस कितना आएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वी अपॉन आई है, वी है आपका 100 और आई है 10, तो रेजिस्टेंस तो हो जाएगा 100/10, ये तो डिवाइड ही होगी, रेजिस्टेंस निकालने के लिए वैल्यूज तो डिवाइड होंगी, एरर्स का क्या किया जाए उसके अलग फॉर्मूले हैं, और ये परसेंटेज एरर आप निकाल चुके हैं, कितनी निकाल चुके हैं, ये 7% निकाल चुके हैं, तो आप सिंपली यहाँ लिख देंगे, ये कट गया 10 ओम प्लस माइनस 7%, इस तरीके से रेजिस्टेंस को आप लिख सकते हैं, किसकी लिमिट्स में, परसेंटेज एरर की लिमिट्स में। और अगर इसी को बोलते एब्सोल्यूट एरर की टर्म्स में लिखो, यानी आर प्लस माइनस डेल्टा आर की टर्म्स में लिखो, किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स इन लिमिट्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, तब आप क्या करते, तो आपने इस केस में आर तो निकाल ही लिया, रेजिस्टेंस होगा वी अपॉन आई 100/10 यानी 10 ओम, लेकिन डेल्टा आर कितना होगा, तो डेल्टा आर निकालने के प्यारे एक तो ये तरीका है, ये रेजिस्टेंस दे रखा है 7%, इसमें परसेंटेज में 7% की एरर है, लेकिन जो 7% है कितने का 7%, 10 ओम का 7%, तो अगर 10 ओम का 7% निकालें
तो 10 ओम का 7% कितना निकलेगा, 7% ऑफ 10 ओम ये आपका निकलेगा 7/100 × 10 = 0.7 ओम निकलेगा। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखना चाहें परसेंटेज आ गई थी तो आपने डेल्टा आर ऐसे करके निकाल लिया, नहीं तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। कैसे, देखिए डेल्टा आर अपॉन आर, देखिए इसे नोट कर लीजिए, पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं आप, ये नोट कर लीजिए, इसे हटा रहा हूँ पॉज करके। प्यारे डेल्टा आर निकालने का एक तरीका ये भी था, यहाँ से ऐसे निकाल सकते थे इस फॉर्मूले से, डेल्टा आर निकालना होता तो डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी, डेल्टा वी कितना है 5/100 प्लस 0.2/10, और यहाँ पे अगर R की वैल्यू डाल दें तो डेल्टा R आ जाएगा, और R कितना है V अपॉन I, 100/10, 10, इससे भी आप डेल्टा R निकालते तो डेल्टा R कितना आता 0.7 ओम। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और अगर परसेंटेज एरर आ गई है तो डेल्टा R निकालने के लिए सिंपली 7% of 10 कर दीजिए, ये आ जाएगा। ठीक है प्यारे, इसे नोट कर लीजिए पूरा, क्या क्या पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह मैंने आपको समझा दिया। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन प्यारे, द एरर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ साइड एंड मास ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब है भैया, क्यूब की साइड, साइड का मतलब इसकी एक लेंथ की मेजरमेंट दे रखी है, लेंथ की और मास, ये दो चीज़ें दे रखी हैं। कह रहे हैं इसमें एरर इन्वॉल्व, एरर जो है मास में और साइड में 3% और 4%, परसेंटेज में दे रखा है, इसका मतलब लेंथ की और मास की परसेंटेज एरर गिवन है। लेंथ की परसेंटेज एरर का मतलब क्या हो गया, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 इज इक्वल टू 3%, ठीक है। और यहाँ पे फिर आगे मास में कितना दे रखा है, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100%, ये कितना दे रखा है आपको 3% दे रखा है, ठीक है। अभी बोल रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल, परमिसिबल का मतलब होता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द डेंसिटी। बेटा डेंसिटी रो से डिनोट होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यस मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है एल क्यूब। तो बेटा अगर आपके पास रो इज इक्वल टू एम अपॉन एल क्यूब आ गया, और वो बोल रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द डेंसिटी, यानी डेंसिटी में कितनी एरर है वो पूछ रहे हैं, मैक्सिमम परमिसिबल एरर पूछा है, एरर का मतलब उसने डेल्टा रो पूछा है, तो हम डेल्टा रो निकालेंगे, लेकिन आंसर पहले चलो परसेंटेज की टर्म्स में निकाल लेते हैं, अगर इसमें परसेंटेज पूछा होता तो कैसे निकालते। तो सिंपली बेटा आपको मालूम है जब दो चीज़ें डिवाइड होती हैं तो उनकी रिलेटिव एरर्स को ऐड किया जाता है या फिर परसेंटेज एरर्स को ऐड किया जाता है, तो हम यहाँ पे परसेंटेज को ही करते हैं, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। लेकिन बेटा अगर m अपॉन l होता सिंपली तो सिर्फ डेल्टा m अपॉन m, डेल्टा l अपॉन l कर देते, लेकिन l का क्यूब है तो आपको मालूम है अगर सम ऑब्जर्व क्वांटिटी की कोई पार होती है तो जो भी पार है वो रिलेटिव एरर के बाहर आ जाती है। यहाँ पे जैसे डेल्टा a अपॉन a तो हो गई, साथ में n बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा। बोले सर आपने जब डिवाइड किया था तो रिलेटिव एरर्स कहा था, तो रिलेटिव एरर्स की बजाय परसेंटेज एरर क्यों लिखी, ऑब्वियसली क्योंकि ऊपर परसेंटेज गिवन है तो परसेंटेज के टर्म्स में ही हमने स्टार्ट करी। इसमें इस पूरे की जगह क्या लिख दीजिए, मास में परसेंटेज एरर है 3 की, ठीक है, और लेंथ में कितनी है 3 इंटू ये पूरा आपको दे रखा है कितना 3, दोनों 3 दे रखे हैं, नहीं गड़बड़ हो गया, साइड ए जो साइड है, साइड जो एल है उसमें 3% है और मास में 4% है, तो इसे 4 लिख रहे हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे लेंथ की 3, तो कितना हो गया 3 × 3 = 9, 9 और 4 = 13%, ये आपकी परसेंटेज एरर आ गई। ठीक है प्यारे, अभी क्वेश्चन में बताओ क्या परसेंटेज एरर इस तरीके से आगे, चलिए ठीक है परसेंटेज एरर आपने निकाल ली, अभी बताइए क्या अगर सर डेल्टा रो निकालना होता, इसकी एब्सोल्यूट एरर निकालनी होती तो कैसे निकालते। बेटा एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपको रो चाहिए होता,
रो के लिए मास अपॉन वॉल्यूम में मास की वैल्यू और वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए होती, जो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, सिर्फ उनकी परसेंटेज एरर्स गिवन है, तो आप रो निकाल ही नहीं सकते। जैसे पिछले क्वेश्चन में वी और आई गिवन था तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ मास और वी गिवन नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते, रो नहीं निकाल सकते, तो डेल्टा रो भी नहीं निकाल सकते, तो आंसर यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज वाले के टर्म्स में ही छोड़ना पड़ेगा, ये अंडरस्टूड होगा। परसेंटेज एरर आ गई आपकी 13%, समझ पा रहे हैं? ठीक है प्यारे, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको एक और नई चीज़ पता चलने वाली है, लेकिन प्यारे हमेशा मैं कहता हूँ जब भी मैं न्यूमेरिकल लेक्चर लेता हूँ तो उसके लिए हमेशा आप लोगों को लिए आप लोगों को टिप है, एडवाइस है कि क्वेश्चन आ जाए पहले आप अपने आप करने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आए तो मेरा आंसर देखिए, तो पॉज कर करके न्यूमेरिकल लेक्चर में आप आगे बढ़ा करिए, ठीक है प्यारे, और साथ साथ में करेंगे तभी मज़ा आएगा, कॉपी पेन लेके साथ में करिए। द एरर इन द मैटर इज 2%, कह रहे हैं स्फीयर था, अच्छा स्फीयर था, उसमें एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस, रेडियस की एरर है, वो भी परसेंटेज में, परसेंटेज में लिखा है तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%, ये दे रखा है आपको कितना, इस तरीके से चले जाते हैं, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 दे रखा है कितना, 2%, ठीक है ओके। अभी बोल रहे हैं आपको कि व्हाट वुड बी द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम में कितनी परसेंटेज एरर होगी, यानी डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 पूछ रहे हैं कि कितना होएगा। तो बेटा वॉल्यूम में अगर परसेंटेज एरर पूछ रहे हैं तो वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए, स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम है आपने क्या होता है, वी इज इक्वल टू क्या, 4/3 πr³, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। तो आप देखिए अगर रेडियस में कुछ एरर है तो वॉल्यूम में भी एरर आएगी, रेडियस की परसेंटेज एरर दे रखी है, वॉल्यूम की परसेंटेज एरर पूछ रहे हैं। तो बेटा व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व्स पार ऑफ सम ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी, तो उसमें पार में आप क्या करते हैं, रिलेटिव एरर निकालते हैं, चाहे रिलेटिव एरर कह लो चाहे परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ सिंपली उसके लिए क्या करना होगा, इनटू 100 करना होगा। तो प्यारे परसेंटेज एरर करें या रिलेटिव एरर, ऑब्वियसली परसेंटेज एरर की बात हुई है तो फिर हम परसेंटेज एरर ही लिखेंगे, डेल्टा वी अपॉन वी इनटू 100% इज इक्वल टू, ये क्या है, 3, जो भी पार है वो बाहर आ जाएगी, 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%। बोले सर ये भी इसका क्या करेंगे, 4/3 πr का, सर ये भी लिखेंगे कि डेल्टा पाई अपॉन पाई इंटू 100, जी नो प्यारे, यही यहाँ पे नई चीज़ है वो ये, अगर किसी के फॉर्मूले में इस तरीके से कोई एक प्योर नंबर आता है, साथ में ये एक सिंपल आंसर लेके बताता हूँ, अगर क्यूब की अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो वो 6L² होता है, तो अगर लेंथ में एरर है तो एरिया में भी एरर आएगी, मेजरमेंट किसकी करी जाएगी, सिक्स लेंथ की करी जाएगी या सिक्स की करी जाएगी, बेटा सिक्स तो कॉन्स्टेंट है, सिक्स में कोई भी एरर नहीं है, एरिया में कितनी एरर है वो सिर्फ अफेक्टेड होगी लेंथ की एरर से, लेंथ की एरर से डिसाइड होगा कि एरिया में कितनी एरर है, तो यानी यहाँ पे एरिया पे जो फर्क पड़ेगा वो सिर्फ लेंथ से पड़ेगा, ना कि प्योर नंबर से। तो अगर हम एरिया की कोई भी एब्सोल्यूट एरर या परसेंटेज एरर निकालेंगे तो वो हम लेंथ के टर्म्स में निकालेंगे, इस प्योर नंबर से कोई भी मतलब नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे जैसे 6 एक प्योर नंबर कॉन्स्टेंट नंबर है, ऐसे 4/3 और पाई भी कॉन्स्टेंट्स हैं, इन कॉन्स्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वॉल्यूम की एरर पे, इसलिए वॉल्यूम की एरर निकालते समय इसको कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ मेजर्ड क्वांटिटी को कंसिडर करना है जो है रेडियस, तो इसको छोड़ देंगे। हाँ जब वॉल्यूम की वैल्यू निकालेंगे, भाई रेडियस आपको दे रखा है 2 मीटर का रेडियस है, वॉल्यूम निकालिए तो ऑब्वियसली रेडियस 2 मीटर डालेंगे, पाई डालेंगे, 4 डालेंगे, 3 डालेंगे, तब तो इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, उसकी एरर निकाल रहे हैं तो कॉन्स्टेंट से कोई मतलब नहीं होगा। ओके फिलहाल चलिए सिंपल, डेल्टा आर अपॉन आर आपको सीधे से 2% दे रखा है, यहाँ पे 2% लिखा, आंसर विल बी 6%, समझ पा रहे हैं? ठीक है प्यारे,
चलिए नोट करते जाइए बेटा, बार बार मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ साथ करिए, ये नहीं कि सिर्फ पिक्चर की तरह देख रहे हैं, देखने से न्यूमेरिकल्स नहीं होते, यहाँ मूवी नहीं चल रही है प्यारे। अगर आप क्रिकेट सीखने जा रहे हो तो क्या क्रिकेट सीखने के लिए ऐसे टीवी के सामने बैठ जाओगे, टीवी को देखते जाओगे, आगे वो सिखा रहा है ऐसे बल्ला मारो ऐसे बॉल मारो, है नहीं ना, खुद करोगे तभी क्रिकेट आएगा। देख देख के आपको डायरेक्ट मैच में खिला दिया जाए खेल लोगे, नहीं खेल सकते। जैसे क्रिकेट नहीं सीख सकते, आपको खेलना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी तभी आप तैयार होगे खेलने के लिए। ऐसे ही पढ़ाई, न्यूमेरिकल्स थ्योरी भी ऐसे ही, एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है तो साथ साथ में प्रैक्टिस करते ही जानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए प्यारे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इसमें और कोई नई चीज़ पूछी जा रही है और एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं पहले कितने आसान थे, हल्के 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 करके अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, सारे मॉडल टाइप क्वेश्चन में यहाँ कवर कर रहा हूँ ताकि आप कोई भी क्वेश्चन बुक का अपने आप कर पाएं। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज, टाइम पीरियड दे रखा है प्यारे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हालांकि आपने डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ा होगा, इन्होंने दे दिया 2π√L/g। ठीक है, टाइम पीरियड क्या चीज़ होती है, हालांकि उससे मतलब नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम आपको मालूम है ऐसे धागे से एक बॉब लटका दें और उसे एक तरफ ले जाके छोड़ दें तो वो ऑसिलेट करेगी, और यहाँ से स्टार्ट हुई तो इसका एक ऑसिलेशन कहाँ जाके ख़त्म होगा, पूरा इधर जाएगी पूरा वापस आएगी, ये हो गया इसका एक ऑसिलेशन। और एक ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसका फॉर्मूला ये है, जहाँ पे एल का मतलब लेंथ ऑफ थ्रेड, जिस लेंथ से वो बॉब टांगी थी वो उसकी और बॉब की मिला के मतलब लेंथ ऑफ पेंडुलम उसे कहते हैं। फिलहाल आगे बढ़िए, मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज, एल की वैल्यू दे रखी है 20.0 सेंटीमीटर, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, 1 mm की बेटा एक्यूरेसी है। कहीं पे भी ऐसा शब्द लिखा हो कि इतनी इसकी एक्यूरेसी है या इतना इसका रेजोल्यूशन है तो बेटा ऐसे टर्म एक्यूरेसी या रेजोल्यूशन का मतलब, रेजोल्यूशन का मतलब उसकी एब्सोल्यूट एरर होता है। ध्यान करिए, फिर दिमाग में बैठाइए, कहीं पे भी वर्ड लिखा हो कि इस मेजरमेंट में इतनी एक्यूरेसी या इतना रेजोल्यूशन है तो वो उसकी क्या हुई, एरर, कौन सी, एब्सोल्यूट एरर। तो इसने दिया रखा है कि लेंथ को मेजर करने में 1 mm की एक्यूरेसी आ रही है, यानी इसमें प्लस माइनस 1 mm की एरर आ सकती है। ये सेंटीमीटर ये मिलीमीटर, तो प्यारे दोनों सेम यूनिट होनी चाहिए, तो इसे आप सेंटीमीटर में ही रहने दो और इसे भी सेंटीमीटर कर दो, 1 mm का मतलब होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो आप इसे, ये लेंथ आपने लिख दी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, सेंटीमीटर चाहे कॉमन लेके बाहर लिख सकते हो। अच्छा प्यारे, एक और नई बात सुन लो, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ तो इसने दे दी कि कितने की एरर है इसमें, लेकिन कई क्वेश्चन में एरर देते ही नहीं है कि 20.0 सेंटीमीटर उसकी लेंथ थी, और एरर आपको अपने आप अज्यूम करनी होगी कि उसमें कितनी एरर आएगी। ऐसे क्वेश्चन जिसमें एरर की वैल्यू गिवन नहीं है और आपको अपने आप कंसिडर करनी है, तो पता है क्या करोगे, जैसे आपको दे रखा है किसी का मास दे रखा है 5.32 kg, तो आप पता है उसकी एरर अपने आप क्या मान लोगे, प्लस माइनस 0.01 kg। कैसे, जैसे जितने भी डेसिमल प्लेसेस हैं उतने डेसिमल प्लेसेस तक की आप एरर मानोगे, दो हैं तो 0.01। अगर इस तरीके से लिखा होता जैसे लेंथ निकाली 2.1 मीटर, तो इसकी 2.1 सेंटीमीटर, तो इसकी एरर मान लोगे प्लस माइनस एक डेसिमल है तो 0.1 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं गिवेन है तो जितनी डेसिमल प्लेस है उतनी डेसिमल प्लेस तक मान लोगे। इस तरीके से लिखा है 2.652, तो इसमें एरर कितनी हो जाएगी, 0.001। ठीक है प्यारे, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल लेंथ इतनी है एंड द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशंस इज फाउंड टू बी 90 सेंटीमीटर। भैया 100 ऑसिलेशंस का, 100 ऑसिलेशन इधर लिख रहा हूँ, 100 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड, टाइम पीरियड नहीं, 100 ऑसिलेशन का टाइम है
90 सेकेंड, यानी 100 ऑसिलेशन करने में 90 सेकेंड लग रहे हैं, तो बेटा एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगेगा, 90/100 इज इक्वल टू 0.9 सेकेंड, और एक ऑसिलेशन करने में जब टाइम लगता है बेटा उसी को तो हम टाइम पीरियड कहते हैं, जिसे टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड ये जो टाइम मेजर किया गया, इट इज़ यूजिंग अ रिस वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन क्या चीज़ होती है, एरर, मतलब टाइम जब नोट कर रहे थे पेंडुलम का तो उस वॉच से नोट कर रहे थे जिस वॉच में एरर है कितने की, 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। इसका मतलब उसमें एरर आएगी कितनी, 1 सेकेंड की, 1 सेकेंड की एरर आएगी, तो यहाँ प्लस माइनस 1 सेकेंड, अरे नहीं, 1 सेकेंड की एरर आएगी तो, लेकिन एक ऑसिलेशन की नहीं, 100 ऑसिलेशंस में इतनी एरर आ रही है प्यारे, तो एक ऑसिलेशन का टाइम लिख रहे हैं तो एरर भी तो एक ऑसिलेशन की ही लिखेंगे, 100 ऑसिलेशन में इतनी एरर है तो एक ऑसिलेशन में कितनी होगी, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 100 की 1, तो एक ऑसिलेशन की 1/100, 1/100 का मतलब हो गया कितना, 0.01 सेकेंड। तो टाइम पीरियड में जो एरर आ रही है वो 0.9 सेकेंड प्लस माइनस 0.01 सेकेंड, ठीक है प्यारे। अच्छा फिर कह रहे हैं, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, जी जो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी डिटर्मिनेशन में एक्यूरेसी बतानी है, एक्यूरेसी मतलब उसकी एरर कह लो चाहे एब्सोल्यूट एरर कह लो, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा, सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे t दे रखा है तो t का जो फॉर्मूला है वो 2π√L/g है। पहले तो g की एक्यूरेसी निकालनी है, तो g का फॉर्मूला निकालिए, इसको स्क्वायर करिए, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4π2L/g, l कैपिटल है तो कैपिटल में ही लिखेंगे, L/g, ठीक है। g को इधर लाइए तो g इज इक्वल टू 4π2L/t2। तो प्यारे अगर g का फॉर्मूला आपके पास 4π√L/g2 आ रहा है, तो आप बताइए यहाँ रिजल्ट इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज, 4π से कोई लेना नहीं होगा, डिवीजन हो रहा है तो डिवीजन में क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर ऐड या परसेंटेज एरर, यहाँ परसेंटेज एरर करेंगे, डेल्टा g/g/100 इज इक्वल टू 4π2 का कुछ नहीं करेंगे, डेल्टा L/L/100 प्लस डेल्टा t/t/100। लेकिन प्यारे यहाँ t का स्क्वायर था तो यहाँ 2 लगेगा, ये लीजिए सिंपली वैल्यूज डाल दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। डेल्टा l कितना है, डेल्टा l है 0.1 और ओरिजिनल लेंथ कितनी है 20.0 × 100 प्लस 2, डेल्टा t कितना है, डेल्टा t एरर है 0.01, ठीक है, और कितने में से 0.9 में से इंटू 100, ये लीजिए इसे कैलकुलेट करिए, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 2 हैं 1 है, 1 बच जाएगा, ये देखिए आपने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1/2 हो गया आपका 0.5 प्लस 1 जीरो से 1 जीरो काटा, यहाँ 20/9 कर दीजिए, 0.5 प्लस 20/9 कितना होता है 9 20, 9 2 18, 2 2 ये 0 लगा 18, 2.22 इस तरीके से आपका आता रहेगा, ये आपका आंसर हो गया 2.72, जिसे राउंड फिगर में 3% लिखा जा सकता है। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है प्यारे, ये नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके प्यारे, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, दिमाग के सारे पुर्जे खोल देने वाला क्वेश्चन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे। इसमें एक नया कंसेप्ट आने वाला है जो मैंने पहले थ्योरी में नहीं बताया। क्या चीज़, आप देखिए मैंने बताया कि अगर दो चीज़ों का सम हो रहा है तो रिजल्ट की क्या एरर होगी, माइनस हो रहा है तो क्या होगी, मल्टीप्लाई हो रहा है तो, और डिवाइड हो रहा है तो, या पावर है तो। प्यारे आपने ये सब तो पढ़ा, लेकिन क्या ये पढ़ा, जैसे ए और बी ऐड हो रही हैं ठीक है, लेकिन अगर 1/A और 1/B ये दो चीज़ें ऐड हो रही हैं और रिजल्ट इस तरीके से, कोई ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये होता तो ये आपने पढ़ा, फॉर्मूला ये होता इसका उल्टा होता, तो क्या आपने पढ़ा कि अगर ए में एरर है बी में एरर है तो एक्स में क्या एरर होगी।
बेटा इसमें ये वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि सर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होता है तो सर इसमें भी डेल्टा एक्स नहीं कर सकते, वो तब जब ऊपर होता है, नीचे है तब क्या करेंगे, कैसे कर देंगे, वन अपॉन डेल्टा एक्स वन अपॉन डेल्टा ए प्लस वन अपॉन डेल्टा बी, नहीं ये कैसे आया, ये हमने डेरिवेशन करी थी, ये अपने मन से तो नहीं लिख सकते, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, ये तो गलत है, क्या करेंगे वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बच्चे इसकी एरर निकालने के लिए अगर ऐसा फॉर्मूला दे रखा है तो डायरेक्टली पहले मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ जो आपको याद करना है, इसके लिए फॉर्मूला होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस डेल्टा बी अपॉन बी स्क्वायर। कोई बहुत ही अलग फॉर्मूला नहीं है, आपने जैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड में पढ़ा था कि डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे बस नीचे स्क्वायर और लग गए हैं। बेटा ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये आपको डायरेक्ट याद करना है, क्योंकि ये जिस कंसेप्ट से आएगा जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, वो डिफरेंशिएशन क्या होती है मैथ्स में वो अभी आपने नहीं पढ़ी है, अगली यूनिट में मैं बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन समझाने वाला हूँ, जैसे मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री होता है ऐसी डिफरेंशिएशन भी मैथ्स की एक ब्रांच है, वो पढ़ लेंगे तभी ये समझ में आ पाएगा, क्योंकि आपने नहीं पढ़ी है इसलिए अगर ऐसा आ जाए तो ये कैसे निकालते हैं उसके लिए इन्होंने हिंट भी इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये फॉर्मूला लगाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने खुद मालूम है कि डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ी है इसलिए उसने फॉर्मूला ऐसे कंसेप्ट के लिए पहले से ही दे दिया है। हालांकि अगर कुछ बच्चों ने डिफरेंशिएशन पढ़ ली है तो शॉर्ट में मैं बता दूं आपको कि डिफरेंशिएशन से ये कैसे आया, समझ में आए ठीक है, नहीं समझ में आए तो दिल पे मत लेना कि सर ने क्या पढ़ा दिया, समझ में तभी आएगा जब पूरी डिफरेंशिएशन समझा दूंगा, जो डिफरेंशिएशन पढ़ के आ रहे हैं ये सिर्फ उनके लिए, बाकी लोग स्किप कर दें और अपने न्यूमेरिकल पे आगे बढ़ें। ठीक है, देखिए क्या होता है बेटा, जैसे कहीं पे भी इस तरीके से लिखा हुआ है ये 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी लिखा है, इसकी हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन अगर सिर्फ बेटा जैसे 1 अपॉन ए की डिफरेंशिएशन करें हम विद रेस्पेक्ट टू ए, विद रेस्पेक्ट टू ये इसकी डिफरेंशिएशन करें, 1 अपॉन ए की डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू ए, तो इसे ऐसे लिखेंगे, कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू ए करने के लिए, 1 अपॉन ए का मतलब हो गया ए की पावर माइनस वन, और बेटा ए की पावर माइनस वन की डिफरेंशिएशन करें तो जो भी पावर में है वो बाहर आएगा माइनस वन, और खुद ए की पावर क्या हो जानी है यहाँ पे और माइनस हो जानी है, यानी माइनस टू हो जाएगी, यानी क्या हो गया वन माइनस वन, और ए की पावर माइनस टू नीचे जाके ए स्क्वायर हो गया। ये क्या चीज आ गई, ये आपकी आ गई डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन ए। ठीक है प्यारे, तो आप यहाँ पे ये देखिए डी की जगह अगर हम डेल्टा लिखें तो डेल्टा वन अपॉन ए अपॉन डेल्टा ए इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर, तो डेल्टा वन अपॉन ए का क्या फॉर्मूला हुआ, डेल्टा ए ऊपर चला गया माइनस डेल्टा ए अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे यही करा गया है, तीनों तरफ डेल्टा डेल्टा डिफरेंशिएशन ले लिया गया है, इसका इसका और इसका, अगर ऐसे डिफरेंशिएशन ले लें तो जैसे डेल्टा वन अपॉन ए का हो गया माइनस डेल्टा ए अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे इसका क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा बी अपॉन बी स्क्वायर, और इसका हो जाएगा माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 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 कैंसिल हो गया और ये रिजल्ट आ गया। अब ये क्या था डिफरेंशिएशन और ये कैसे लिखा, ये वही समझ पाएंगे जिनने डिफरेंशिएशन कर रहा है, बाकी भूल जाएं और डायरेक्ट याद कर लें कि सर ने फॉर्मूला बताया है, और आगे बढ़िए इस न्यूमेरिकल पे। चलिए रब करके अब आपको समझा रहा हूँ न्यूमेरिकल क्या है। देखिए प्यारे प्यारे यहां बोले टू रजिस्टर्स आर वन दे रखा है आपको, आर वन इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम। ठीक है, R2 कितना दे रखा है, R2 आपको दे रखा है कितना 200 प्लस माइनस 4 ओम। कह रहे हैं इन दोनों को सीरीज में लगाया फिर पैरेलल में लगाया, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन।
सीरीज और पैरेलल का रेजिस्टेंस निकालना है। सीरीज का तो बहुत ही आसान है, सीरीज का निकालने का फॉर्मूला R1 प्लस R2, R1 कितना है 100 प्लस माइनस 3, R2 कितना है 200 प्लस माइनस 4, ये पहले कर चुके हैं, 100 प्लस 200 कितना हो गया 300, और एरर को भी क्या कर देना है ऐड करते समय ऐड ही करना है, और ये पहले हम कर चुके हैं। और इसे चाहे तो परसेंटेज एरर की टर्म्स में अगर लिखना है, ये सीरीज का है RS से डिनोट कर दे रहे हैं, 300 प्लस माइनस 7 अपॉन 300 इंटू 100, ये सबसे पहले क्वेश्चन किया था, ये परसेंटेज में हो गई, और 7 अपॉन 3 आपका कितना हो गया प्लस माइनस 2.33%, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, चाहे ऐसे, ठीक है। फिलहाल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया विद इन लिमिट्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर। अभी कह रहे हैं पैरेलल का निकालो, बेटा सीरीज का तो बहुत आसान था, चुटकियों का खेल, लेकिन पैरेलल का अलग खेल है। क्यों? क्योंकि पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीरीज में जैसे ये था, तो पैरेलल में ये होता है 1 upon R = 1 upon R1 + 1 upon R2। तो पहले तो आपने सीखा नहीं था, सिर्फ प्लस का सीखा था, लेकिन अब डिनोमिनेटर में 1 अपॉन में है तो ये भी आपने सीख लिया। इस केस में फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जो भी लिखा है उसका डेल्टा आर अपॉन आर का स्क्वायर। पहले तो नॉर्मली जैसे ऐसे लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर, आप लिख रहे डेल्टा R1 upon R1 प्लस डेल्टा R2 upon R2, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में सब जगह स्क्वायर भी होता है। कैसे आया मैंने समझाया, नहीं समझ में आया इन्हें डायरेक्ट लिखा है, आप इसकी हेल्प से आगे बढ़ सकते हैं। लीजिए कर लीजिए, इसके लिए डेल्टा आर आपको निकालना होगा, और आर 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 का मतलब रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना होगा वो तो इस फॉर्मूले से निकाल लो, कैसे, 1 upon R = 1 upon R1 कितना है 100, R2 है 200, तो 1 upon 100 प्लस 1 upon 200, ये आपका हो गया, इधर साइड में कर रहे हैं 1 upon R = 200 2 1 3 upon 200। प्यारे जैसे आप देखते हैं कोई भी रिजल्ट होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी एक्चुअल वैल्यू और एक उसकी एरर। तो एक्चुअल वैल्यू जैसे रेजिस्टेंस है पैरेलल में लगाया, तो पैरेलल में उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी वो तो हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, पैरेलल के फॉर्मूले से, जो हमने 3 upon 200 को उल्टा करके RP = 200 upon 3 निकाल ली। एक्चुअल वैल्यू क्या है वो तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, लेकिन उस पैरेलल के रेजिस्टेंस में एरर कितनी होगी, डेल्टा आर कितनी होगी, वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे जिसमें हम ये बाकी सारी वैल्यूज डालेंगे तो डेल्टा आर निकल आएगा। चलिए आरपी रेजिस्टेंस इन पैरेलल तो हमने निकाल लिया, कितना 200 अपॉन 3 का स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा आर कितना है, फर्स्ट वाले में रेजिस्टेंस में एरर है 3, कितने में से 100 में से, तो ये 3 डाल दिया और नीचे 100 का स्क्वायर। सेकंड वाले की डेल्टा आर कितना है 4, और ये ऊपर 4 और नीचे 200 का स्क्वायर। यहां से आप डेल्टा आर निकाल लीजिए, कैसे, इस पूरे को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लीजिए मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, इसका स्क्वायर कर दे रहा हूं, 200 का स्क्वायर 4000 upon 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका स्क्वायर करके लिख रहा हूँ 3 upon 1 2 3 4 प्लस 4 upon 4 1 2 3 4, 4 से ये कट गया 1 1 2 3 4, और ये जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 से 4 0 ये कट जाएंगे, डायरेक्ट कर दिया मैंने, ये अंदर बचेगा आपका 3 plus 1, यहाँ 1 से कटाए तो 3 plus 1 4 into 4 upon 9। अपने आप कैलकुलेशन करिएगा, अगर नहीं समझ में आ रही है मैंने डायरेक्ट कर दिया, हो गया 16 upon 9, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.8, और यूनिट क्या होगी डेल्टा आर की, ओम। तो लीजिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात करें तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आपका आ गया, कितना आया है पैरेलल का रेजिस्टेंस 200 by 3, और उसमें एरर कितनी आई है पैरेलल में, ऑब्वियसली रिजल्ट ऐसे लिखा जाएगा पैरेलल का रेजिस्टेंस प्लस माइनस उसकी एरर, तो रेजिस्टेंस तो आया है 200 बाई 3 और उसकी एरर आई है 1.8। तो इस तरीके से हम आंसर लिखेंगे, इसको लिख दे रहे हैं 66.67 आएगा, राउंड ऑफ कर दिया, प्लस माइनस 1.8 ओम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, प्रैक्टिस के लिए ऐसे और क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में दिए हैं, आप खुद करेंगे, पहले ये समझिए और फिर नोट करिए। अभी चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्यारे अगला क्वेश्चन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अ फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय
एक्स का फॉर्मूला दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी रूट डी। इफ द परसेंटेज एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ ए बी सी डी, अरे ए की परसेंटेज एरर दे रखी है, परसेंटेज एरर कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%। बी की परसेंटेज एरर डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। सी की और डी की देख लीजिए इस तरीके से ऐसे लिखेंगे, कितनी दे रखी है क्वेश्चन में देखिए जरा, इन चारों की परसेंटेज एरर दे रखी है आर 4, 2, 3, 1 रेस्पेक्टिवली, 4, 2, 3, 1 रेस्पेक्टिवली। देन कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन एक्स, पूछ रहे हैं एक्स की परसेंटेज एरर यानी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। जो दे रखा है वो लिख लिया, जो पूछा है वो लिख लिया, फॉर्मूले के हिसाब से ये कैसे निकालें प्यारे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई और डिवाइड में रिलेटिव एरर को ऐड करते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स निकालेंगे, परसेंटेज एरर है तो चलिए अभी कर दूंगा, यहाँ पे हो गया डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी, चाहे मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो रिलेटिव एरर्स ऐड होती हैं, लेकिन प्यारे परसेंटेज एरर दे रखी है तो सब जगह इनटू 100 करके आप इसे परसेंटेज एरर बना दीजिए। और तो और एक चीज़ रह गई आपकी प्यारे, यहाँ पार्ट्स भी तो दे रखी हैं, टू इसकी पार्ट टू है, ए की पार्ट टू, तो यहाँ टू आएगा, बी में थ्री आएगा, सी में वन आएगा, और रूट डी का मतलब क्या हो गया, पार वन बाई टू, ये लीजिए बहुत ही सिंपल सा, ये पूरा आपको दे रखा है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, 4 तो 2 × 4%, 3 × इसकी परसेंटेज एरर 2%, ये पूरा आपको दे रखा है 3% और ये पूरा दे रखा है आपको 1%, तो ये आपका हो गया 4 × 2 = 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0.5 कितना हो गया 8, 6, 14 और 3, 17 17.5%। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं, ऐसे बहुत फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं और चुटकियों में जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करना सीखना है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन बॉयज एंड गर्ल्स परफेक्ट। तो प्यारे नोट कर लीजिए, फिर हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं द सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, क्या होती है उससे कोई लेना देना नहीं है, फॉर्मूला दे रखा है बस वो सुन लो। द मास एम वी एंड आर, अच्छा मास कितना, मास वेलोसिटी एंड आर, ठीक है ये दे रखे हैं कितने 0.5 kg, अच्छा 10 मीटर पर सेकेंड एंड 0.4 मीटर, अच्छा ठीक है। इनकी एरर्स कहाँ हैं, एरर्स अगर नहीं दे रखी हैं तो आप इसकी अपने आप क्या लिख दोगे 0.1, ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं इफ एम वी आर आर मेजर टू एक्यूरेसी, अरे दे तो दिए, एरर दे रखी हैं 0.005 kg, 0.01 मीटर पर सेकेंड और 0.01 मीटर, ये सबकी एरर्स इसने साथ में दे दी, घिचपिच ना लगे इसलिए यूनिट यहाँ से हटा के यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है ये एरर्स दे दी इसने। फाइंड द परसेंटेज एरर, फिर से बेटा परसेंटेज एरर इन फोर्स, फोर्स की परसेंटेज एरर का मतलब डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100, ये आपने निकालना है। फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ आप ही लिखिए, बहुत आसान है, मेरे साथ साथ अपने आप लिखिए और सॉल्व करके चेक करिए। डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100 कर दो, ठीक है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिलेटिव और परसेंटेज एरर्स को ऐड करोगे, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस ट्वाइस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, चाहे डिवाइड भी हो तब भी परसेंटेज एरर ऐड ही होनी है। इस पूरे की ये वैल्यूज डाल दीजिए यहाँ पे, कैसे डेल्टा है मास में एरर कितनी है 0.005, मास कितना है 0.5, ठीक है अच्छा। फिर आपकी ट्वाइस डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी में एरर है 0.01 की, कितने में से 10 में से इंटू 100, और प्लस डेल्टा आर है आपका 0.01 अपॉन 0.4 इंटू 100। सिंपल कैलकुलेशन है, कंसेप्ट था, कैलकुलेशन बची है, अपने आप सॉल्व करिए और आंसर चेक करिए पॉज करने के बाद 3.7 आ रहा है कि नहीं।
ठीक है प्यारे, अभी हम चलते हैं पॉज करके, फिर आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन पे। तो बेटा ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस आर मेजर्ड एज, अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है मत पूछ लेना, होती होंगी कुछ। फिलहाल सीपी दे रखा है 12.28 प्लस माइनस 0.2 यूनिट, यूनिट भी नहीं दी उनने कि मीटर पर सेकेंड सेल्सियस क्या होती है, तो यूनिट ना देने पर उनने लिख दिया यूनिट, जो भी यूनिट्स होती होंगी ठीक है। और सी वी दे रखा है 3.98 प्लस माइनस 0.3 यूनिट्स। कह रहे हैं गैस कांस्टेंट आर निकालो कितना होगा और उसकी परसेंटेज एरर निकालो कितनी होगी, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%। प्यारे आर निकालिए, चलिए निकालिए गैस कांस्टेंट। बोले अरे सर हमें तो पता ही नहीं गैस कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है। जी हाँ, अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं है तो फॉर्मूला कहाँ से पता होगा, बट 11th क्लास में ही आगे थर्मोडायनेमिक्स यूनिट में ये पढ़ा जाना है, वहाँ बहुत ही आसान सा इसका फॉर्मूला है, जब पढ़ लेंगे तो जान जाएंगे, अभी मैं बता दे रहा हूँ ठीक है। अभी के लिए याद कर लीजिए, वहाँ अपने आप समझ में आ जाएगा और याद भी हो ही जाएगा कि आर का फॉर्मूला होता है सी पी माइनस सी वी। बच्चे बोले सर जब फॉर्मूला अभी है ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं है तो आप क्यों बता रहे हैं। प्यारे अभी आपने नहीं पढ़ा लेकिन बाद में तो पढ़ेंगे, जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो पूरी बुक के तो फॉर्मूले पढ़ चुके होंगे ना, तब तो ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम्स में आ सकता है ना, तब दोबारा थोड़ी पता होगा मैं, तो इसलिए अभी बता रहा हूँ समझ लीजिए। कुछ चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं, उसमें फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, वो सारे के सारे बुक के फॉर्मूले आप अभी तो याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक आध दो चार हैं जो आगे चैप्टर्स में यूज़ हो रहे हैं, जिसपे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर में, वो याद कर लो, एग्जाम में आ जाए चूक ना जाए कहीं, तो इसलिए याद कर लो सी पी माइनस सी वी। तो प्यारे बहुत ही सिंपल है, सी पी आपको दे रखा है 12.28 प्लस माइनस 0.2 और सी वी है 3.98 प्लस माइनस 0.3। अब इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा क्या करना है, अपने आप देख लो क्या करना है, और फिर परसेंटेज एरर निकालनी है, तो जो भी यहाँ पे आएगा समथिंग प्लस माइनस समथिंग, ये डेल्टा आर हो जाएगा, ये उसकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू डाल के परसेंटेज एरर भी निकाल लोगे और वहाँ से टैली करिए और बताइए आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। ठीक है प्यारे, देख लीजिए फॉर्मूला सी पी माइनस सी वी। फिलहाल बच्चे ये था आपके आज के लेक्चर के क्वेश्चंस, मॉडल टाइप क्वेश्चंस सारे मैंने कवर करा दिए हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये सब लाइन वाइज असाइनमेंट में लिखे हुए हैं, जो आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपको दिए हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए हैं, जल्दी से डाउनलोड करिए, उसके साथ आंसर्स भी गिवन है ताकि आप टैली कर पाएँ, तो जल्दी से उसको प्रैक्टिस करिए और ये अपनी यूनिट ख़त्म कर दीजिए। बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ये जो चैप्टर था आपका जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लेंथ मास एंड टाइम मेजरमेंट, एरर एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, डायमेंशनल एनालिसिस, सिस्टम ऑफ यूनिट्स उससे पहले पढ़ा था आपने चैप्टर में, ये पूरा आपका एक पार्ट फिजिक्स का ख़त्म हो चुका है। अब अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी अगली यूनिट, कौन सी अभी नहीं बताऊंगा, आप आगे देखिए ठीक है। और हाँ, ये पूरी यूनिट से रिलेटेड टेस्ट भी अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं एमसीक्यूज़ के, तो वो ऐप में गिवन है, वहाँ से आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल बेटे समझ में आया तो जल्दी से काम कर देना एक, और जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं मार्क योर प्रेजेंट बाय टाइपिंग योर नेम इन द कमेंट बॉक्स। And thank you very much and all the best for your exams.